नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा निर्णय। पुरातत्व विभाग करेगा सर्वे में मिले शिवलिंग की बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग। यूपी के लखीमपुर खीरी दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ का अहम निर्णय। कहा, दुष्कर्म मामले में पीड़िता का दिया गया बयान ही सजा के लिए पर्याप्त है। यूपी के गोंडा जिले में आयोजित सेवा भारती के स्वास्थ्य शिविर में 41 लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। बुजुर्गों को उपलब्ध कराई गई आवश्यक दवाएं। देश के क्रांतिवीरों व बलिदानियों के इतिहास के बारे में ऑनलाइन जान सकेंगे लोग। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेले एवं खेल महोत्सव की अधिकृत वेबसाइट को किया लॉन्च। यूपी के मुजफ्फरनगर में नारी शक्ति जैविक खाद से तैयार कर रही है गन्ने का बीज, बन रही है स्वावलंबी। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद गिरी की अगुवाई में किन्नरों ने देखी फिल्म द केरला स्टोरी। बोली, धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह से लगे रोक। यूपी में संस्कृत विद्यालयों की पढ़ाई में तकनीक का हुआ है श्री गणेश। प्रदेश में 77 विद्यालयों में ब्रॉडबैंड, 83 में वाईफाई की सुविधा और 276 विद्यालयों ने बनाई अपनी वेबसाइट। उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों में 30,000 अपराधियों को मिली सजा। इस दौरान सबसे अधिक महिला अपराध के दोषियों और अवैध धर्मांतरण के 833 आरोपियों पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई जारी। देहरादून में अब तक ध्वस्त की गई 300 से अधिक अवैध मजारों के नहीं मिले कोई भी दावेदार। यूपी के मुरादाबाद मंडी समिति में चौकी के पीछे मिले गौवंश के अवशेष। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप, यहां पहले भी हो चुकी है गौकशी की घटनाएं। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।